सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक ऐसी छोटी मशीन के बारे में जिसे कि अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करते हो तो गाइस यहाँ पर आप डेली का 500 फाइनल प्रोडक्ट तैयार करोगे। और गाइस एक प्रोडक्ट पर डायरेक्टली आपका कम से कम 7 रुपये का बचत है। तो कहने का मतलब कि अगर इस बिजनेस को आप स्टार्ट करते हो तो आपका 3000 से लेकर 3500 रुपये तक का डेली प्रॉफिट काफ़ी अच्छा निकलेगा। और साथ में सबसे बड़ी बात गाइस कि यहाँ पर जो प्रोडक्ट आप तैयार करने वाले उसका डिमांड काफ़ी ज़्यादा रहता है क्योंकि ये प्रोडक्ट हर कोई डेली बेसिस पर यूज करता है। तो कहीं ना कहीं अगर आप इस बिजनेस को स्टार्ट करना चाहोगे तो अपने घर से भी स्टार्ट करके आप काफ़ी अच्छा पैसा कमाओगे। तो चलिए बिना समय गवाए आज की इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और जान लेते हैं इस बिजनेस के बारे में कंप्लीट डिटेल में, ए टू जेड सब कुछ। गाइस आज के इस वीडियो में आपको जिस डिमांडेबल बिजनेस के बारे में बताने जा रहा हूँ वो है स्लीपर मेकिंग बिजनेस। इससे पहले मैंने इस टॉपिक पर वीडियो बनाया है और आपको बताया है कैसे आप स्लीपर मेकिंग का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, उस पर आपने काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया। लेकिन इस वीडियो में आपको एक अलग मशीन के बारे में बताने जा रहा हूँ जिससे कि आपका प्रोडक्शन और भी ज़्यादा हाई हो जाएगा और आपका काम और भी ज़्यादा कम हो जाएगा। मेरे साथ हैं जैकी भाई जो कि आपको बताएंगे इस मशीन के बारे में। तो सबसे पहले थैंक यू सो मच, आपने हमारे टाइम निकाला। सबसे पहले मैं बात करता हूँ प्रॉफिट की कि अगर आप इस मशीन को ऑपरेट करते हो इससे अपना बिजनेस स्टार्ट करते हो आपका प्रॉफिट कितना होगा। तो सर ये बताइए जो स्लीपर है इसको बनाने में कॉस्ट इस मशीन से कितना जाएगा। सर इस मशीन से बनाने में इस मशीन की जो स्लीपर की कॉस्ट आती है 2700 से 2800 रुपए में कॉस्ट आती है। अच्छा, और ये मार्केट में मिनिमम कितने का सेल होता होगा। अगर आप इसको मार्केटिंग में सेल करेंगे तो 35 से 40 रुपए करीब की इसकी मार्केटिंग होगी। अच्छा, तो कहने का मतलब कि एक स्लीपर पर एवरेज में 7 से 8 रुपए का बड़ी आसानी से प्रॉफिट निकलेगा जी। और दूसरी बात कि ये मशीन 1 घंटे में कितने पीस स्लीपर कट करेगी। 1 घंटे में लगभग 80 से 90 पीस जोड़ी जो निकलते हैं एक घंटे में 80 से 90 जोड़ी। अगर हम 70 जोड़ी भी मिनिमम मान के चले तो एक जोड़ी पर अगर आपका 7 रुपए का प्रॉफिट निकल रहा है तो बड़े आसानी से आपका यहाँ पर काफी अच्छा मुनाफा हर घंटे का निकल जाएगा। तो मैं आपसे बात करता हूँ इस मशीन की। तो सर ये बताइए ये मशीन जो है बेसिकली इसका काम क्या है। ये मशीन एक शॉल कटिंग मशीन जो हमारी रबर शीट होती है उससे हम शेप में लेके आते हैं। जो नीचे वाला हमारा शॉल होता है ये आपको मैं दिखा दूँ, ये जो हमारा नीचे वाला शॉल होता है उसको शॉल कट करने के लिए ये हमारी मशीन होती है, इस मशीन को यूज करते हैं जी। ये बताओ कि अगर कोई भी स्लीपर मेकिंग का बिजनेस स्टार्ट करेगा अपने घर से तो आप उसको केवल ये मशीन दोगे साथ में या फिर इसके साथ जितनी भी सेट आती सारा दोगे। पूरा सेटअप मिलेगा इसमें आपको। अच्छा, पूरा सेट मिलेगा। तो सबसे पहले आप बताओ कि ये जो मशीन है ये डेली का अगर 8 घंटे रन कर दे तो कितना प्रोडक्शन कर देगी, मतलब कितना पीस चप्पल हमें कट करके दे देगी। अगर आप इसे 8 घंटे डेली यूज करते हैं तो लगभग कोई 400 से 500 जोड़ी आराम से निकाल पाओगे। इस मशीन को रन करने के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी यूज की जरूरत पड़ेगी वो सिंगल फेज पे भी हो जाएगा फिर डबल फेज की जरूरत पड़ेगी। पहली चीज तो इसकी सिंगल फेस की लाइट होगी और नॉर्मली इसे घर वाले कनेक्शन पे भी इसे चला सकते हैं। अच्छा, चला सकते हैं, ओके। और दूसरी बात सर ये बताओ कि आपसे कोई मशीन खरीदेगा तो आप उसको वारंटी वगैरह क्या प्रोवाइड कराओगे। इसमें हम उसको वारंटी देते हैं और प्लस मैकेनिक देते हैं, जैसे कोई भी मशीन में दिक्कत आती है उसके इंस्टॉलेशन के लिए मैकेनिक यहाँ से जाता है। अच्छा, तो मैकेनिक जाएगा तो मतलब सर्विसिंग वगैरह सब आप प्रोवाइड कराओगे, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, कुछ चार्ज वगैरह देना पड़ेगा। कॉस्ट होगी, फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। अब गाइस मैं आपसे बात करता हूँ इस मशीन की। तो स्लीपर का आपको पता है डिमांड कितना ज्यादा है, आप चाहे कहीं से भी अपना स्लीपर मेकिंग का बिजनेस स्टार्ट करो अपने गांव से या फिर अपने शहर से, कस्टमर आपको बहुत ही ज्यादा मिलेंगे। तो सर ये बताओ स्टार्टिंग में आप क्या कहना चाहोगे, जब इससे मशीन से स्लीपर बनेगा प्रोडक्शन हो जाएगा तो सेल कहां पर करेंगे लोग। सेल हर जगह यूज होती है स्लीपर, अगर अपने नजदीक वाले रिटेलर से मिलने जाके और जो होलसेलर तो वाले। कहने का मतलब कि स्टार्टिंग में जब आप स्टार्ट करोगे तो आपका प्रोडक्शन थोड़ा सा कम होगा तो आप अपने लोकल मार्केट को टारगेट करो, वहां पर जितने भी शॉपकीपर है या फिर रिटेलर होलसेलर उनसे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो और बाय ट्रांसपोर्ट मशीन प्रोवाइड करा दोगे जी। बाय ट्रांसपोर्ट यहाँ से मशीन ट्रांसपोर्ट। अच्छा, ट्रांसपोर्ट हो जाएगी। और इस पे सर मोटर कौन सा लगा हुआ है। ये 2 HP का मोटर है, सिंगल फेज का मोटर है, ओके, सिंगल फेज का। फ्रेंड्स आपने देखा होगा भैया ने ये मशीन चालू कर दिया, भैया इसमें डाई लगा करके एक आपका सैंपल बना करके दिखाएंगे। अरे मैं आपको आज ये मशीन सेटअप बाय सेटअप चला करके दिखाऊंगा कैसे ये मशीन का वर्किंग होता है और कैसे इस मशीन से आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। ये देखिए हमारा डाई रख चुका है और ये नीचे आप देख रहे होंगे एक नीचे पुश करने का होता है जहाँ से आप पुश करेंगे और आपका सैंपल ये कट के तैयार हो जाएगा। एक अच्छा सा एक सैंपल बन के तैयार हो गया है और इसमें कोई इतनी फिनिशिंग करने की भी ज़रूरत नहीं है और साथ ही साथ में आपको ये होल भी मिल जाते हैं जिसमें आपको स्ट्रैप फिक्स करने के लिए होते हैं। हमने काट के दिखाया था राइट पैर का, हमने लेफ्ट पैर का ये पूरा सेटअप बना के दिखा दिया है।
अब हम इसका क्या करेंगे, अब हम इसमें ये आप देख रहे हैं ये हम ड्रिलिंग इसको ड्रिल करेंगे जो कि हमारे स्ट्रैप के पीछे वाले जो डार्ट होती है उसमें फंसाने के काम आएगा। देख रहे होंगे कि छोटा सा मशीन है, आप इसको किसी भी एक कोने में कहीं भी आप इसको फिक्स कर करके चला सकते हैं। अब भैया ये दिखाएंगे कि कैसे हम इसके पीछे वाली डाटी लगा कर बना सकते हैं। सारे ग्रुप बन के तैयार हो गए, अब हम इसका क्या करेंगे, पीछे जो फिनिशिंग है, जो साइड वाली थोड़ी बहुत फिनिशिंग है उसको हम फिनिश करके दिखाएंगे। छोटा सा फिनिशिंग के लिए ग्राइंडर दिया जाता है जो कि आप इससे साइड वाले जो फिनिशिंग प्रोडक्ट हमारा बने और जिससे कि मार्केट में एक अच्छी सी इसकी पकड़ हो। जब तक हमारी फिनिशिंग और क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो मार्केट में कोई भी इस प्रोडक्ट को नहीं लेगा, तो इसी के लिए हम एक छोटा सा ग्राइंडर देते हैं जो कि हमें फिनिशिंग के लिए मदद करता है। देख रहे होंगे कितनी एक अच्छी सी फिनिशिंग मशीन से इस बन के तैयार हो गई है। ये एक मैनुअली टेबल है, इसको आप ना ही इसमें कोई बिजली की ज़रूरत होती है और ये हमारी स्ट्रैप डालने के काम में आती है। जो स्ट्रैप हमारी होती है बद्दी, उसको हम इससे कैसे डालेंगे ये देखिए, बहुत ही आसानी से हमारा ये स्ट्रैप डल के तैयार हो जा रहा है एक। अब देखिए हम आपको दूसरे साइड का दिखाते हैं, दूसरे वाला कैसे डल के तैयार होगा। अब ये देखिए हमारा फिनिश प्रोडक्ट तैयार हो चुका है और ये हम इसको पैकिंग करके मार्केट में फिर इसको सेल कर सकते हैं। और मैं आपको साथ ही साथ दिखा दूं कि आप बहुत ही काफ़ी इसी मशीन से हमने सैंपल किए हुए तैयार, देखिए ये मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये वही सैंपल है जो कि हमारे 27 से 28 रुपये में सैंपल तैयार होता है। मैं आपको और भी सैंपल दिखा देता हूँ, ये देखिए जी जो हमारा सैंपल है जो कि आजकल बहुत क्रेज़ में है, जो पतंजलि करके हमारा सेल होता है, इसको आप सेल करेंगे तो एक बहुत ही अच्छे अच्छे प्रोडक्ट, अगर आप मार्केट में नए हैं, अगर मार्केट को क्या चाहिए कि आप एक अच्छा सा प्रोडक्शन और एक नया फिनिश प्रोडक्ट हो, तो वो आपका जितना नया होगा उतना अच्छा प्रॉफिट होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना अगर आपने अभी तक नहीं करा है। बाकी आपसे मिलता हूँ बहुत ही जल्दी एक नई वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।